माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्लेक्ट्रम्स के बारे में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जब हम गिटार सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते, बट यू शुड नो कि कितने तरीके की प्लेक्ट्रम मार्केट में अवेलेबल है एंड विच प्लेक्ट्रम यू शुड यूज। सो अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें या फिर इसका एक तरीके से हम बात करें कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप की पिक्स होती है, तो देर आर मल्टीपल बेसिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, साइज के हिसाब से भी प्लेक्ट्रम्स होती हैं, उनकी एमएम या थिकनेस के हिसाब से भी होती हैं, उनके मटेरियल के तरीके से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो मोस्टली विल बी टॉकिंग अबाउट टू, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर ऑफ द मोस्ट ऑफ देम। सो फर्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द शेप्स, देर आर थ्री बेसिक शेप्स जो हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट शेप इज नोन एज द स्टैंडर्ड स्टाइल शेप एंड दैट इज हाउ इट लुक्स, दैट इज वॉट इट लुक्स। ओके, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टाइल या स्टैंडर्ड साइज पिक, है ना। एज यू कैन सी, इसके जो दो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली कर्व्ड हैं और इसका जो एक कॉर्नर है वो पॉइंटेड है टू प्ले। तो ये ऐसी पिक्स जो इस शेप की होती हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टाइल पिक्स। ओके, सेकेंड पिक शेप के हिसाब से अगर हम बात करें इज अ ट्राइंगल शेप। ओके, ट्राइंगल शेप मतलब as you can see there are proper three tips, identical tips कि आप किसी को भी use कर सकते हैं play करने के लिए, and इसकी इसीलिए हम इसको ट्राई टिप भी कहते हैं। ये हो गया हमारा ट्राई टिप या ट्राइंगल पिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ जैज स्टाइल और क्या जैज स्टाइल, इसको कहते हैं जैज स्टाइल पिक। ओके, ये ऐसा दिखाई देता है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है उन दोनों के कंपैरिजन में। ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये एक ट्राइंगल ही है, बट इट इज अ मोर कर्व ट्राइंगल एंड इसका जो पॉइंट भी है एज यू कैन सी इज मोर पॉइंटेड एंड इसका साइज जो इसका लंबाई है इज लेस। सो इनको हम कहते हैं जैज स्टाइल पिक्स। अब अगर हम मटीरियल की बात करें, मटीरियल कैन बी प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में भी बहुत वेराइटीज आती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव नायलॉन पिक्स, यू कैन हैव एक्रेलिक पिक्स, यू कैन हैव डेलरिन पिक्स एंड यू कैन हैव मेटल पिक्स ऑल्सो। आप देख सकते हैं स्टील की पिक्स भी कई स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं, कुछ लोग यूज भी करते हैं, ऐसे ही ग्लास के पिक्स भी होते हैं। अब बात करते हैं एमएम पे। एमएम मतलब कि आपका जो प्लेक्ट्रम है वो कितना मोटा है, कितना उसका थिकनेस कितना है, और कुछ प्लेक्ट्रम जैसे होते हैं जिन पे उनका एमएम भी लिखा हुआ होता है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट लाइक दिस इज इन इस्तांबुल पिक और इसका एमएम है 0.46। मतलब ये अगर हम बात करें तो बहुत पतला पिक हुआ, है ना। और ये कौन यूज करते हैं, किसे यूज करना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं, जो गिटार सीखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक दो तीन चार पाँच महीने, उनको ये पिक यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इससे प्ले करते हैं तो इट इज ईजी टू फ्लोट या फिर ये उतना रेजिस्टेंस नहीं देती, तो इसलिए ये इजीली फ्लोट होती है। तो एज अ बिगिनर यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ थिनर पिक। थिन में ही अगर बात करें, जो हमने ट्राई टोन पिक देखा था, ट्राई टिप पिक देखा था, नो डाउट शेप के हिसाब से तो ये ट्राई टिप हुआ, लेकिन थिकनेस की अगर बात करें तो ये 0.46 से तो ज्यादा है, लेकिन ये 0.7 से कम है। ओके, सो इट इज अ लिटिल बिट हार्डर। अगर हम इसका गेज देखें, देखिए मेरे को इसको बैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। सो ये वाला जो पिक है ये भी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आई ऑल्सो यूज दिस पिक व्हेन आई वाज लर्निंग गिटार बिकॉज इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है एंड इट गिव्स यू अ गुड ग्रिप। नेक्स्ट अगर पिक की बात करें तो अब हम थिकनेस में थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, दिस इज 0.80 mm। ये पिक मैंने अभी आपको शेप के लिए भी यूज़ किया था। ये डीएडेरियो कंपनी का पिक है और इसका जो थिकनेस है इट इज 0.80। अब ये किसके काम में आता है? बेसिकली जो भी मेलोडी प्लेयर गिटार प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल लीड्स प्लेयर्स जो हैं, जो लीड प्ले करना चाहते हैं, या हम स्केल्स जब प्ले करते हैं, इफ वी वांट द स्पीड ऑफ प्लेइंग कि हमें बहुत फास्ट बजाना चाहते हैं, तो नो डाउट यू हैव टू अपग्रेड योर पिक्स, यू हैव टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ योर प्लेक्ट्रम। सो दिस इज 0.80 mm। अब हम बात कर रहे हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, ये हुआ हमारा 0.91 mm। ये एक प्लैनेट वेव्स
जो है उस कंपनी का है, ब्रांड का है। आई गेस प्लैनेट वेव्स ऑल्सो डी आर ई ओ का ही सब ब्रांड, ऐसा कुछ ही है। और दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पिक, है ना। ये स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मोस्टली ऐसा होता है कि 70 से ऊपर और 1.5 से नीचे। अब वो गिटारिस्ट टू गिटारिस्ट थोड़ा वेरी करता है कि कौन सा पिकअप यूज़ करते हैं। सो दिस इज 0.91 mm, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेक्ट्रम। इससे वो और ऊपर जाते हैं तो वी हैव 1.00 mm ऑल्सो, एंड दिस इज अ जैज 2 प्लेक्ट्रम। ऐसे ही जैज 3 भी आता है जो इससे भी ज़्यादा थिक होता है। ओके, एंड कौन यूज करते हैं इनको, इनका जैसे नाम ही जैज है तो ऑफकोर्स जैज प्लेयर्स, बिकॉज वो बहुत तेज तेज पीसेज लिक्स बजाते हैं तो उनको इनकी ज़रूरत होती है फास्ट प्ले करने के लिए। एंड इससे भी अगर हम ऊपर जाएं तो वी हैव 1.5 mm पिक्स ऑल्सो। ओके, ये होता है 1.5 mm थिकनेस वाला पिक। और इसका भी साइज आप देखो तो एक तरीके से ये जैज स्टाइल है, छोटे साइज के हैं, बहुत टाइट ग्रिप होता है और स्पीड जो प्लेइंग है एक तरीके से मेटल हुआ, श्रेडिंग जो लोग करते हैं मेटल में, वो प्लेयर्स इसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी भी होती है। ऐसे ही हम बात करें जैसे ये जो पिक है ये 1.5 mm ही है, लेकिन इसका साइज जो है एज यू कैन सी इट्स अ ट्राइंगल शेप और ट्राई टिप। ओके, सो ये मोस्टली कब यूज करूंगा मैं, जब मैं बेस गिटार प्ले कर रहा हूँ, बिकॉज बेस गिटार के स्ट्रिंग बहुत थिक होते हैं तो वी नीड अ वेरी बिग एंड वेरी थिक प्लेक्ट्रम ऑल्सो टू प्ले। अब बात की जाएगी आपके लिए कौन सी पिक अच्छी रहेगी। ऑनेस्टली सेइंग देयर इज नो पर्टिकुलर यूनिवर्सल आंसर फॉर दिस, मतलब ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता है। यू हैव टू सी बाय योरसेल्फ कि कौन सा पिक आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। नॉर्मली जनरली वी कैन से कि बिगिनर्स को जो है थोड़ा पतला पिक यूज़ करना चाहिए, थिन पिक यूज़ करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हैं अपनी प्लेइंग में, आप लीड्स अच्छे से बजाने लग गए हैं, आप सोलोज बजाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपना पिक का जो थिकनेस है वो भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। ओके, एंड देर आर मल्टीपल ब्रांड्स, बहुत सारी लोकल भी आती हैं, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं दैट इज डी ए डेरियो और ये प्लैनेट वेव्स हो गया, टॉर्टेक्स बहुत फेमस ब्रांड है, टॉर्टेक्स का डनलप सीरीज है पूरा, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ट्राई मल्टीपल ऑफ टाइप ऑफ द प्लेक्ट्रम्स बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन इज कंफर्टेबल फॉर यू। बट एज अ बिगिनर यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ थिनर पिक। सो आई रियली होप कि आपको आज का लेसन हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज माई गिटार मेथड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। योर लाइक्स एंड कमेंट्स आर द मोटिवेशन दैट ड्राइव्स अस टू डिलीवर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ योर गिटार लर्निंग। टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।